बाइक ना बहुत ज्यादा ना झटके ले रही है, मिसिंग कर रही है, और ये दो दो चार दिन हो गए स्टार्टिंग नहीं हो रही। बाइक बहुत ज्यादा झटके ले रही है ना, मिसिंग कर रही है ना, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना। टंकी में पानी चला गया। हाँ, टंकी में पानी कब चला गया भाई? मैंने बाइक वॉशिंग करवाई नहीं। आपके मन में भी ये सवाल होता है ना कि बारिश हो नहीं रही है, मैंने बाइक कोई वॉशिंग करवाई नहीं, तो फिर टंकी में पानी चला कैसे गया आखिर? दोस्तों, आप कभी भी जाते हो पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप पे क्या होता है, वहां से भी आपको पेट्रोल में पानी मिल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आप पेट्रोल कभी भी डलवाने जाओ तो सबसे पहले उनसे, पेट्रोल पंप वाले भैया से आप पूछो कि भैया पेट्रोल जो है आपका लास्ट बचा हुआ है या फिर अभी बहुत ज्यादा पेट्रोल है। दोस्तों, अगर लास्ट का पेट्रोल बचा हुआ होता है ना, तो उसके अंदर 100% पानी हो जाता है। पानी इस तरीके से हो जाता है जैसे क्या होता है, पेट्रोल काफी हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ रहता है, पानी जो होता है वो भारी होता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखलाता हूँ, ये हमारे पास में हो गया एक बोतल, इसके अंदर हम डाल देते हैं पेट्रोल, ठीक है, ये पेट्रोल डाल दिया हमने, अब हम इसके अंदर डालते हैं पानी, ठीक है, ये देखिए, कुछ इसी तरीके से पेट्रोल पंप पे भी क्या होता है, पेट्रोल जो है ऊपर की तरफ रहता है और पानी जो है वो नीचे की तरफ रहता है, जिसके वजह से जो लास्ट का पेट्रोल बचता है पेट्रोल पंप पे, तो आपके बाइक में भी आ जाता है पेट्रोल। वो पेट्रोल पंप वाले को भी नहीं पता होता है और आपको भी पता नहीं होता है, लेकिन आपके बाइक के टंकी के अंदर जो है पानी आता है और आपकी बाइक मिसिंग करने लगती है, झटके लेने लगती है। तो इससे बचने का यही तरीका है कि कभी भी आप पेट्रोल पंप पे जाए और पेट्रोल डलवाए, तो आप सबसे पहले उनसे पूछे कि भैया आपके पेट्रोल पंप में से जिससे आप पेट्रोल डाल रहे हो, जिस नोजल से आप पेट्रोल डाल रहे हो, वो पेट्रोल लास्ट का तो नहीं बचा हुआ है। अगर लास्ट का बचा हुआ हो तो आप दूसरे पेट्रोल पंप पे जाओ या फिर किसी और नोजल से डलवाओ। उस पेट्रोल पंप पे आप डलवाओगे तो 100% आपके टैंकी में पानी जाएगा। अब ये पेट्रोल वेस्ट नहीं होगा, पेट्रोल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। पेट्रोल देख रहे हो कितनी हल्का है ना, ऊपर की तरफ है, तो हम ऊपर ऊपर से पेट्रोल निकाल लेंगे और पानी को जो है अंदर से निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे, ये बोतल हो गया, इसके अंदर पेट्रोल डालते हैं, ठीक है। अब देखो पानी नीचे नीचे है ना, अब देखो पानी नीचे से गिरेगा कैसे, थोड़ा देर ऐसे छोड़ देंगे हम, उसके बाद में पानी जो है बस पेट्रोल अलग हो गया, पानी अलग हो गया। तो इस तरीके से अगर आपके टैंकी में पेट्रोल चला, पानी चला जाए, अगर आपके टैंकी में पेट्रोल के साथ पानी चला जाए, तो आप घबराना नहीं है, पेट्रोल फेंकना भी नहीं है, आप पेट्रोल को कुछ इस तरीके से जो है अलग कर सकते हो और दोबारा उस पेट्रोल को आप यूज भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ऐसी रोज रोज नई नई चीजें आपके सामने लेके आने के लिए।